तो जी हमने चीनी को पीस लिया है और चीनी को पीस के आज बनाने वाले हैं आटे के बिस्किट। चीनी पीस लिया है, अब चीनी को डाल देंगे छाछ के अंदर। दही दही के अंदर डालिएगा, मेरे पास दही नहीं है, मैं छाछ बना चुकी इसकी पहले ही। तो इसको छाछ के अंदर डाल देते हैं क्योंकि दही तो है नहीं। और आज आए हुए हैं ये VISHL और अभी हम देख रहे थे टीवी, इतनी देर में मम्मा ने बोला वीडियो बनाते तो मैं बन करके आई तो ये दोनों भी आ गए। छाछ के अंदर डाल के इसको मिला देना है, ये घुल जाएगी, ये घुल जाएगी। अब इसकी लस्सी बन जाएगी। इसके अंदर चीनी सारी डाल दी है हमने, मीठा पानी, ये घुल गई, ये बची हुई भी इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ओवन चाहिए होता है ना शायद इसकी बनाने के लिए? नहीं, ओवन के बिना बना देंगे अपन। ठीक है, अब आगे की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। अब जो गेहूं का आटा था उसको मम्मी ने छान लिया, मतलब छान रही है, और एक तरफ ये निकाला है कोकोनट का, कोकोनट पाउडर पाउडर यहाँ पे भी लिखा है। अब इससे मम्मा बनाएंगी बिस्किट। अब ये मैं जानती कैसे बनाएंगी मम्मा जाने। तो जी इसमें मम्मा ने सूजी, वो वापस करो, ये मिनी ग्रो। तो जी उसमें सूजी, सौंफ और नारियल का बुरादा, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अगर तिल है ना तो तिल भी डालने चाहिए, तिल से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में जो हमने छाछ में खांड मिलाई थी ना, खांड क्या थी, चीनी थी पिसी हुई, वो मिलाई थी ना, तो उससे हम ये आटा गूँथ लेंगे। और यहाँ पर देखो मेरा जो ये बेटर है ये नए कारण में कर रहा है, तो यहाँ पे बस मैं इसको आटे को गूँथ कर और फिर उसके बाद में आगे की जो काम है वो बताती हूँ कैसे करना है। तो जी ये देखो इस तरीके से मैंने इनको काट लिया, ठीक है, ये फ्राई हो रहे हैं, ये फ्राई हो गए, तो ये है ना अभी तो एकदम कुरकुरे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आप बनाओगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि कुरकुरे नहीं हो रहे, ठीक है, ये बाहर निकालने के बाद में एकदम क्रंची होते हैं, अंदर तो ये नरम ही रहेंगे। ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने सोचा कि ये कुरकुरे नहीं हुए कई देर तक मैंने फ्राई करने के बाद में, फिर दिमाग में आइए कुरकुरे क्यों नहीं हो रहे, तो बाहर निकाल के मैंने रख दिया गणेश जी महाराज का नाम लेकर के, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब से ही देखा था, और बाहर निकाल के रखा, थोड़ी देर बाद में एकदम क्रंची से होकर बच्चों को बहुत पसंद आए, बढ़िया बने, टेस्टी बने। तो अब मैं और बना के भी रख दिया करूँगी थोड़े थोड़े दिन बाद में, और एकदम कम ऑयल ले रहे हैं ये, तेल भी ज़्यादा नहीं खींच रहे, मतलब ये होता है ना कि तेल बहुत ज़्यादा पी रहे हो ना, बिल्कुल ज़्यादा तेल नहीं पी रहे। चलो ये पाव भी सीख गया, इसको निकाल देते हैं। ये देखो अपने बिस्किट जो हैं आटे के मट्ठी समझ सकते हो, ये बनकर रेडी हैं, ठीक है, और ये मैंने YouTube से देख के बनाए थे ना, तो शुरू वाले पाव जो है ना मैंने ज़्यादा फ्राई कर दिए टाइट करने के चक्कर में, लेकिन ये टाइट होते हैं बनने के बाद, बाहर निकलने के बाद ठंडे होके फिर कुरकुरे हो जाते हैं एकदम, ठीक है, और खाने में बहुत टेस्टी बने हैं। तो अब मैं एक दो भी दिन मतलब एक दो दिन रुक के या फिर मैं वैसे और बनाऊँगी, इन्हें नमकीन और बनाऊँगी, ऐसे ही टेस्टी बन रहे हैं एक नंबर के। ये ठंडे हैं अभी, मतलब वो गर्म है, ये ठंडे हैं, देख जी। जय राम जी की, दोपहर के नहीं सुबह के 10:15 बजे हैं, और ये देखो आज का हमारे लाला का श्रृंगार कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, मतलब मन कर रहा है कि बस हीरे मोतियों से नज़र उतार लूँ, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो सुबह पहले का टाइम है और काम धाम सभी फिनिश हो चुका है, अभी बस खाना खाने की तैयारियां हैं, खाना वगैरह खाएंगे, और बच्चे गए हैं स्कूल, और शायद तक हमें घर भी जाना पड़ सकता है, घर पे कोई काम है, और आप लोगों के साथ में सारी अपडेट शेयर करेंगे। और घर पे क्या काम है तो कोई मतलब बढ़िया वाली गुड न्यूज़ ही है, तो जब गुड न्यूज़ आ जाएगी ना कन्फर्म एकदम बढ़िया तरीके से जब मैं आप लोगों के सामने रिवील करूँगी, तब तक के लिए तो बस ये है कि घर जा सकते हैं,
अभी 10:30 बजने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में 10:30 बज जाएंगे, मतलब 10:30 बजे के बाद में कन्फर्म 11 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ। और बच्चे स्कूल से आएंगे नहीं, अभी 1:30 बजे आएंगे, तो बच्चों को लेकर आना पड़ेगा तब तक। और यहाँ अगर और आज हाँ अगर जाना नहीं हुआ ना, तो मैंने एक काम सोच रखा है कि एक तो ये चेयर मुझे डेकोरेट करनी है लाला के लिए, और एक मेरे को ये जो बेड है ना, ये बहुत ज़्यादा वो हो गया, पुराना हो गया, तो मैं वो करूँगी, इसको रेनोवेट करूँगी। तो थोड़ा सा इसमें भी माथापच्ची करते हैं, इसको थोड़ा सा खूबसूरत सा लुक देते हैं। जिसके लिए मैं क्या लेके आई थी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर देखो, खाना वगैरह डालने लग रहे हैं शर्मा जी। तो इसके लिए मैं ये 2 लेस भी लेकर आई थी, कल मार्केट गए थे तब। तो देखते हैं इन लेस वगैरह लगा करके इस वाले सोफ़ा को नया सा लुक देंगे। ये देखो खाना वगैरह डाल दिया है, छाछ गर्म कर लिया। आज हमारे बनी है पापड़ की सब्जी, ये देखो पापड़। ओहो गर्म है, गर्म करके गए हैं, गर्मी के मैं भी गर्म कौन करे है। शर्मा जी ने मेरे ना के चो चलावे है, चुंदो लग है भाई, माने देखा तो चुंदो को ना बहुत बड़ी बड़ी लग गई है। तो जी कढ़ाई बहुत भारी है, एक हाथ से उठावे ना जा हालत खराब हो जाए। भाई वजन है कम से कम भी है तो 60 किलो वही ढले हुए एक हाथ से। 60 किलो कौन थार में, थार में होगो 61-62 के लगभग, 60 क्या में है। और ये लाला का प्रसाद है जो कि हम ले लेते हैं, एप्पल जो ऐसे ही भोग में लगाया था वो लिया है सारी चीज़ ना। चलो खाना खाते हैं, फ्रिज में देख के आऊँ कुछ है क्या सब्जी और लेफ्ट ओवर, क्योंकि मुझे बची हुई सब्जी जो होती है ना वो खाने में बहुत अच्छी लगती है, जो पहले की बच जाती है ना वो नहीं है अब तो। और हम लोगों ने ना दूध की बंदी कर ली, कई दिन से ना वो उसमें आ रहा था, होटल से आ रहा था, क्योंकि दूध मिल ही नहीं रहा था आस पड़ोस में, गाय का अब मिलने लगा है तो गाय का दूध आया करेगा अब अपना। ओहो चलो खाना खा लेते हैं, पापड़ की सब्जी ले, प्रसाद ले लो। मम्मा बना रही हैं, पुराना बेड था हमारे लड्डू का, तो मुझे छोटा सा एक क्यूट सा बेड बनाना है लड्डू के लिए। मैं सोचा आज लगते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के लिए स्पेशल स्पेशल बेड, रजाई, गद्दे ये तैयार करके मैं रख दूंगी। मौसम ठंडा होने लगे, बारिश हुई है हमारे यहाँ पे, दर्शन करा दिए क्या आज लाला के, करा दिए मौसम भी का बारे। देखो ऐसे टम टम गिर रही है एक एक बूंद बस। और हम ये बना रहे हैं यहाँ पे, और बैठक में शिवांश देख रहा है ये सिम्बा वाली मूवी होती है ना द लॉयन किंग, वो मूवी देख रहा है। पापा तेरी मार छड़ी, सुई धागा, मैं सुई धागे से स्टिच कर रही हूँ इसको, फेविकोल कम यूज कर रही हूँ। सुई आ गई मेरी, ये पटकी थी अपन ने मार के लिए वहाँ पे, कौन सी वो पिंक धागा था उस पर। तो जी बस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोगों का प्लान बन रहा था ना गांव जाने का, तो वो जो गुड न्यूज़ की मैं बात कर रही थी वो हमारी कंफर्म है और बहुत बड़ी वाली न्यूज़ है, लेकिन वो एक पार्टी के साथ ही हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बढ़िया वाली पार्टी होगी, पार्टी नहीं होती वैसे हम लोगों के यहाँ पे, होता है सवामणी बोलते हैं हमारे, तो सवामणी होगी हमारे घर में, तो सवामणी के साथ में ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी सब लोग जब इकट्ठा रहेंगे। और यहाँ पे अपना बेड जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है थोड़ी देर के अंदर, और वैसे चाहती तो मैं अभी भी शेयर कर सकती थी, लेकिन बस ये था कि कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर ना नज़र बड़ी जल्दी लगती है, तो मुझे अभी शेयर ना करके और तभी शेयर करना है जब अपने बाबा का प्रसाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बेड बनकर तैयार है, मैंने लाला से पूछा, लाला को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जी आप लोग भी एक बार राधे राधे जय श्री कृष्णा लिख देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, और अब रेगुलर व्लॉग्स आया करेंगे अपने डेली इस चैनल पे भी, दूसरे पर भी।